गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी। सो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो घर पे और बहुत मन से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, है ना? ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है ये कौन सा क्लास है? ये आपका हिंदी रिविजन राइम्स क्लास है। ओके स्टूडेंट्स, and today's date is 10th of September 2020. Okay, so today we going to मतलब आज हम फिर से अपना एक rhymes revise करने वाले हैं। okay, तो उस rhymes का नाम है उपबन। okay students, तो चलो start करते हैं। okay, तो चलो शुरू करते हैं। नन्ही सी इस बगिया में तरह तरह के फूल खिले हैं, रंग बिरंगी चितबन उनकी आपस में सब हिले डुले हैं। छुप छुप के आती है तितली, जैसे बरसों बाद मिले हैं। ओके, तो चलो फिर से इसको पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स रिपीट विथ मी। उपन। नन्ही सी इस बगिया में तरह तरह के फूल खिले हैं, रंग बिरंगी चितबन उनकी आपस में सब हिले डुले हैं। छुप छुप के आती है तितली, जैसे बरसों बाद मिले हैं। ओके, तो चलो इसको फिर से पढ़ते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को ये राइम्स बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना स्टूडेंट्स? तो प्लीज़ चलो मेरे साथ ये आप रिपीट कीजिए। नन्ही सी इस बगिया में तरह तरह के फूल खिले हैं, रंग बिरंगी चितबन उनकी आपस में सब हिले डुले हैं। छुप छुप के आती है तितली, जैसे बरसों बाद मिले हैं। ओके, तो चलो फिर से एक बार इस राइम्स को पढ़ते हैं। जब आप कोई भी राइम्स बोलो तो सबसे पहले उस राइम्स का नाम आपको बोलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है उपबन, ठीक है? तो उपबन। नन्ही सी इस बगिया में तरह तरह के फूल खिले हैं, रंग बिरंगे चितबन उनकी आपस में सब हिले डुले हैं। छुप छुप के आती है तितली, जैसे बरसों बाद मिले हैं। ओके, तो आई होप कि ये सब राइम्स जो मैं पढ़ाती हूँ आपको अच्छा लगता है। घर पे अच्छे से इसको आप याद कीजिए, होमवर्क करके ज़रूर भेजिएगा, और अच्छे से घर पे ये आप पढ़ना और ख़ुद का ध्यान भी रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कौन सा राइम्स किया है रिवीजन में? उपबन, ठीक है? पेज नंबर 24। ओके, तो ये अच्छे से पढ़ना घर पे, ये आपका होमवर्क भी रहेगा। ओके, सो थैंक यू। आवर टुडेज हिंदी रिविजन राइम्स क्लास इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।